हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी न्यूज शेयर करने वाली हूँ जिसको सुन के आपको सच में बहुत ही बुरा भी लग सकता है। आपको लगेगा कि वाकई में ऐसा पॉसिबल है क्या, क्योंकि कितने ही सारे कैंडिडेट्स होते हैं, कितने ही सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि कैंडिडेट देते हैं, उनकी तैयारी करते हैं। उनकी तैयारी करने के लिए न सिर्फ 6 महीने, 12 महीने, सालों साल वो तैयारी करते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं और न जाने कितनी समस्याओं को वो झेलते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर कोई मुन्ना भाई MBBS आ जाए और वहाँ पर बिना मेहनत के, बिना पैसे अपने वेस्ट करे हुए किसी कोचिंग पे, किसी किताबों पे, उसको खुद का ज्ञान नहीं रहता है, वहाँ जिस पोस्ट पर वो जाने वाला है उस पोस्ट की उसको वैल्यू तक नहीं है, सिर्फ उस पोस्ट को उसने पैसों से खरीद लिया है और उसके बाद में उस पोस्ट पर बैठ गया है, क्या वाकई में यह चीज़ सही है? प्रशासन के लिए चीज़ सही कितनी है? अगर SI जैसी पोस्ट पर अगर कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसने SI की एग्ज़ाम की तैयारी तक नहीं करी है, उसको पता तक नहीं है कि SI क्या होता है, SI के कर्तव्य क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, प्रशासन के प्रति क्या जिम्मेदारी रहती है और साथ ही साथ जनता के प्रति कितना लॉयल होना पड़ता है, तो वहाँ पर सवाल बहुत सारे उठते हैं। लेकिन मामला जब पेपर लीक का आता है तो वहां पर और भी सवाल सामने आते हैं। मैं आपके सामने आज वही कुछ सवाल खड़े करूंगी, साथ ही बताऊंगी कि किस प्रकार से राजस्थान पुलिस में SI जो भर्ती परीक्षा थी 2021 की, उसका खुलासा हुआ है और जो टॉपर थे, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, वही जो है अभी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। तो क्या है पूरा मैटर, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वर्ष 2021 में SI भर्ती परीक्षा होती है और उसके बाद में वहाँ पर जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट इस प्रकार आता है कि करीब 15 जो डमी कैंडिडेट्स रहते हैं, जिन्होंने कि रिश्वत देकर इस परीक्षा को पास किया रहता है, जहाँ पर कि रैंक भी उनकी आती है, वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी 2024 में उस चीज़ का खुलासा होता है। तो क्या इतने सालों तक किसी को पता नहीं था, या तो किसी ने FIR नहीं करवाई थी, किसी ने शिकायत नहीं करी थी, या तो मामला सामने आया ही नहीं था? तो अभी अगर आया है तो वह कैसे आया है? इन सब बहुत सारे सवाल है जो सामने आते हैं। तो यह जो भर्ती परीक्षा हुई थी और उसके बाद में जो अभी यह मामला खुलासा आया है, वहां पर एक चीज जो है वह चेंज होती है, वह सरकारें चेंज होती है। बात करते हैं अभी की सरकार की, तो अभी की सरकार ने यहाँ पर एक जो है सेल स्टार्ट करी है, वह क्या चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे ही जो वर्तमान सरकार रहती है वहाँ पे अफसर बदले जाते हैं और उसके बाद में जो है ये जो मैटर्स थे उन पर FIR होती है, और जैसे ही FIR होती है उसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस जो है वह स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही हूँ, थोड़ा कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ ये जो पेपर लीक है SI का, ये कहाँ से लीक हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत जयपुर के हसनपुरा में एक स्कूल है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तार कुछ इस तरह से जुड़े हुए थे कि वहाँ के क्लर्क होते हैं या तो वहाँ के प्राचार्य होते हैं और भी बहुत कुछ लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ पर गैंग रहती है, एक या दो गैंग मिलकर काम करती है जो कि कैंडिडेट्स को लेके आती है। उनको रहता है कि इतने कैंडिडेट उनके हैं तो इतने पैसों में वहाँ पर उनको पेपर लीक कर दिया जाएगा, और उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनके संपर्क में भी आते हैं। यहाँ पर संपर्क में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे रहते हैं जो कि ये जो पेपर लीक रहता है इसका कॉस्ट दे पाते हैं। करीब 20 लाख रुपए यहाँ इस टॉपर ने इस परीक्षा को पास करने के लिए दिए थे, साथ ही रैंक फर्स्ट भी उनकी आ गई है। अब यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने पैसे दिए लेकिन उन्होंने इतने पैसे नहीं दे पाए, जितनी कॉस्ट उन्होंने मांगी थी उतनी नहीं दे पाए और इस वजह से उनको वह पेपर नहीं मिला, तो यह जो खुलासा हुआ है वह उन्हीं कैंडिडेट्स के द्वारा किया गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं SI जो राजस्थान पुलिस में SI भर्ती परीक्षा 2021 थी, इसके जो टॉपर थे जो कि अभी हाल फिलहाल जो है
पुलिस की कस्टडी में है। उन्होंने जब ये एग्जाम पास की थी तब उन्होंने अपने इंटरव्यू भी दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने अपने सक्सेस के जो टिप्स है वह भी शेयर किए थे। तो अगर आपने उनके सक्सेस के टिप्स नहीं देखे हैं तो वह जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि किसे एक इंसान, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने बिल्कुल भी उन टिप्स पे काम नहीं किया है, हो सकता है कि एग्जाम की तैयारी ना करी हो लेकिन टिप्स के लिए उनको तैयारी करनी पड़ी हो। प्लेटून कमांडर और एसआई की करीब 859 पोस्ट उस वक्त निकली थी, जो बहुत ही मात्रा में थी, इतनी मात्रा में पोस्ट थी। और इसमें करीब कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वह भी बहुत हुआ था, 7,95,000 कैंडिडेट्स, करीब 8,00,000 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। और उन 8,00,000 कैंडिडेट्स के ऊपर जो है यह टॉपर रहे थे जो कि आज पुलिस कस्टडी में है। तो ये वाकई में सोचनीय बात है, विचारणीय बात है कि क्या अगर इस तरह से पैसों के लेन देन से अगर टॉपर बन रहे हैं, नौकरियां मिल रही है, तो उन बच्चों का क्या जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों का क्या। फिलहाल एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप रहते हैं उन्होंने उनको जो है अरेस्ट कर लिया है, पुलिस कस्टडी में है। और यहाँ पर अब जो है उन पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जनता भी उन पे बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रोधित है, सबको बहुत गुस्सा है, सबके मन में गुस्सा है, कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके मन में गुस्सा है, क्योंकि 2021 में काफ़ी सारे लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए, इस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, लेकिन अब उनको पता चलता है 3 साल बाद में कि उस एग्ज़ाम में इस तरह से पेपर लीक हुआ था और इस तरह से ये रिजल्ट रहा था, तो उनको भी शायद आज बुरा लग रहा है। साथ ही बात करते हैं कि कोर्ट परिसर में, न्यायालय परिसर में, सब जगह उनके साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है और होना भी चाहिए। इस वक्त जो है काफ़ी सारी उनकी तरफ से याचिकाएं भी लग रही है, लेकिन कोर्ट उनकी किसी भी याचिका को इस वक्त बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रही है। आगे इस विषय में क्या होता है उसके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका कॉमेंट आप ज़रूर करना, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।